हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। जैसा कि मैं बता दूं आपको, यूपीपी जेल वार्डर और फायरमैन की अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक और आपकी रियल अपडेट जय एग्जाम यूट्यूब चैनल आपको देता रहा है। तो जैसा कि मैं बता दूं, जैसे ही आपको कोई भी जो है जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम से अपडेट कोई भी अपडेट मिलता है, सबसे पहले जय एग्जाम यूट्यूब चैनल आपको देता है। तो जैसा कि मैं बता दूं आपके लिए आज की वीडियो में क्या अपडेट है और आपके लिए क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या आपके सवाल हैं। जैसा कि मेरे चैनल पर विभिन्न वीडियो में कमेंट्स भी आए थे, उसके साथ साथ आपके लिए एक नई अपडेट है कि आपकी रिजल्ट की डेट मिल चुकी है, तो वो भी आपको बताएंगे और आपकी सारी चीज़ें ऑथेंटिक जो है आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, तो वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा से रियल अपडेट जो है जय एग्जाम यूट्यूब चैनल आपको यूपी जेल वार्डर फायरमैन से रिलेटेड दे रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, आज आपके विभिन्न सवाल, जैसे आपकी रिजल्ट की डेट क्या है, तो उसके लिए मैं आपकी अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपके एंसर की के बाद आपका कट ऑफ क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। एफएम कितने किस शिफ्ट में मिला है, उसके साथ साथ आपके कब तक आपके ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएंगे और आप कब तक आपका फिजिकल हो जाएगा, किसे फिजिकल करना चाहिए किसे फिजिकल नहीं करना चाहिए, आपके हर एक सवाल को वन बाय वन बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की अपडेट मैं आपको हमेशा की तरह देता रहूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सवालों को लेता हूँ। जैसा कि आज आपका पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका कब आएगा आपका रिजल्ट, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, अखबार की कटिंग जो है आपको मैं दिखा देता हूं, उसमें साफ साफ आपका लिखा है। उसके बाद आपको वन बाय वन आपकी सारी चीज़ों को बात करेंगे कि जो है आपका नॉर्मलाइजेशन और आपके कब तक फिजिकल होंगे, कब तक आपके फाइनल कट ऑफ आ जाएंगे, तो उन सारी चीज़ों को वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ कि आपको रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लाइव हिंदुस्तान के ई पेपर पे आ चुका हूं। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं डेट के साथ साथ, आप देख सकते हैं ट्यूसडे जनवरी 5/2021 आप देख सकते हैं, और आपका 6:09 का ये शाम की न्यूज़ है। मैं सोचा आपको जल्द ही वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें समझा दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2020 रिजल्ट जल्द जारी हो सकते हैं, यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन के परीक्षा के नतीजे। तो जैसा कि मैं बता दूँ, आप देख सकते हैं, आपको आशा करता हूँ आपको प्रूफ मिल चुका होगा। अब चलिए इसमें क्या दिया है आपको डिटेल्स फुल पढ़ के आपको सुनाते हैं, उसके बाद इन चीज़ों से क्या निकल के आती है, कब तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएँ, कब तक आपके ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, उसके साथ साथ आपके कब तक रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पे एफएम और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन बदले हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपको वो भी अपडेट मिलेगा, सबसे पहले जय एग्जाम यूट्यूब चैनल आपको देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ों को पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आपके अगले डाउट को लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप ऊपर, आपको ये हम लाइव हिंदुस्तान देख सकते हैं, उसके साथ साथ आपको लाइव हिंदुस्तान टीम लखनऊ आप देख सकते हैं, ये आपका ट्यूसडे 5 जनवरी। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ों को पढ़ के सुना देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस भर्ती एवं पुनती भट यूपीपी बीपीबी लखनऊ जेल वार्डर महिला पुरुष फायरमैन आरक्षी घुड़सवार से पुलिस सीधी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा के नतीजों जल्द जारी किए जा सकते हैं। यूपीपी बीपीबी ने 19 और 20 दिसंबर को आयोजित 2020 को आयोजित कराई थी। यूपीपी कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पुलिस एवं पुनती भट पर रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे। जैसा कि आगे भी मैं आपको सारी चीज़ों को पढ़ के सुना देता हूँ। इससे पहले यूपीपी ने परीक्षा के 2 दिन बाद आपको 22 दिसंबर 2020 को जेल वार्डर फायरमैन व आरक्षी घुड़सवार भर्ती की लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी थी। अभ्यर्थियों को आंसर की के आधार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 29 दिसंबर तक का समय दिया गया था। उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस जेल वार्डर महिला फायरमैन आरक्षी घुड़सवार पद पर सीधी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, जैसा कि आपको रेड लाइन में अंडरलाइन दिख पा रहा होगा, 2016 की परीक्षा में प्रदेश भर में 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन ठंड और कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते 40% से भी कम आपके अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिए हैं। इसके अलावा परीक्षा से ठीक एक दिन पहले प्रयागराज पुलिस एसटीएफ ने सालवारगंज से जुड़े आपके 19 लोगों को गिरफ्तार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि कितनी सीटें हैं क्या है। तो जैसा कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका कि कट ऑफ बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 लाख से भी
ज़्यादा बात की जा रही है, हम तो 6 लाख की बात किए थे फॉर्म अप्लाई की, लेकिन यहाँ पे आपका 4 लाख की ही बात की जा रही है। उसके साथ साथ आपको उसमें भी आपके 40% नहीं, केवल 40% क्या 40% से भी कम लोगों ने आपके आवेदन जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपके लिए बेनिफिशियरी है, जैसा कि कट ऑफ आपको मैं आपको लाभ देखने को मिलेगा। कट ऑफ अलग चीज़ है, उसके लिए मैं आपको अलग से बात कर लूँगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको आगे बात करते हैं कब तक आपके ऑफिशियल आंसर की रिवाइज जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके FM और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको बदले हुए देखने को मिलेंगे, तो वो भी चीज़ें बात करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये अपडेट मालूम चल गया होगा। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और आपकी आगे चीज़ों पर बात करते हैं। बात करें आपके अगले क्वेश्चन की कि आपका फिजिकल कब होगा आपके रिजल्ट का, आशा करता हूँ आपको तो मालूम चल गया होगा कि आपके जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइव हिंदुस्तान ने भी जैसा कि आपको बता दिया है, तो जल्द का भी मतलब आपको मंथ की बात करें तो जैसा कि आपको अपने आर के विश्वकर्मा सर का भी इंटरव्यू सुना होगा पहले भी, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला था कि आपका जो है फिजिकल जो है आपका विंटर सीजन यानी ठंड के मौसम में ही आपको कर लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि विंटर सीजन में आपका मार्च लास्ट अधिक अगर मैक्सिमम जाता है, तो मार्च लास्ट तक यदि लेट होगा तब आपका फिजिकल वहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी फिजिकल जैसा कि मैं बता दूं फरवरी तक आपके जो है फरवरी लास्ट तक आपके फिजिकल वगैरह हो जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट आपको जो है मार्च लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, भले ही आपकी ट्रेनिंग लेट हो। जैसा कि आपको भी पता है 49,568 के अभ्यर्थी भी अभी वेट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग भले ही आपकी लेट हो लेकिन जो है आपके मार्च लास्ट से आपसे पहले आपके और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका सारा प्रोसेस सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आपका सारा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपके रिजल्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जनवरी का भी आज लगभग 6-7 तारीख हो गया, 6 तारीख। तो इसमें आपको ये है कि आपको जैसा कि कल के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिला है, तो मैं बता दूं आपको जो है रिवाइज आंसर की जल्दी आपको लगभग 1 हफ्ता से जो है 2 हफ्ते के अंदर आपको रिवाइज आंसर की, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पे FM जो भी आपके गलत होंगे उन पे FM मिलेगा, और आपके जो है कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन इधर मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, मान लीजिए जो आपके जिन्होंने जिस हिसाब से आपके आपत्ति दर्ज की होगी, और आपत्ति का जो है निस्तारण करके आपको जल्दी आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। और रिवाइज आंसर की आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका ऑफिशियल कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ को लेकर भी आपके मन में ये डाउट्स आते हैं कि कट ऑफ कब रिवाइज आंसर की बात कितनी जाएगी क्या जाएगी, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कट ऑफ वाली वीडियो अभी तक मेरा अभी नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देख सकते हैं, उससे कम ही आपका जो है कट ऑफ जो है का एनालिसिस मैं बताने वाला हूं, उसके लिए सेपरेट वीडियो जो बताऊंगा उससे कम ही आपका कट ऑफ जाएगी। और फिजिकल के लिए मैं बता दूं फिजिकल आपको जो है फरवरी तक आपके जो है मिड तक आपके फिजिकल वगैरह हो जाएंगे, तो आप अपने फिजिकल की भी तैयारी हल्की फुल्की आप करते रहें। चलिए अब आपके अगले डाउट की तरफ चलते हैं और आपका अगला सवाल लेते हैं, उसके साथ साथ आपका उस सवाल का भी जवाब देते हैं। आशा करता हूँ आपके कब आएंगे ऑफिशियल कट ऑफ, इसका भी आपको जवाब मिल चुका होगा। अब आपके मन में काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ, तो मैं आपको मोटा मोटी जैसा कि मैं आपको सेपरेट वीडियो जो है कट ऑफ पे एक बता दूंगा, जैसा कि मैंने बताया था तो उस चीज़ को किसी ने बहुत ज़्यादा बताया तो कुछ लोगों ने बहुत कम बताया, तो हालाँकि आप वो कट ऑफ की वीडियो भी आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो भी आपके आंसर की आने के बाद जो आपके 100 बता रहे थे वो आपके जो है 90, 95, 92, 94 के आसपास आके अटक के, और कुछ तो आपके 80 के आसपास जो बता रहे थे वो आ गए हैं 65-70 पे, जो आपके 95 बता रहे थे वो 80-85 आ गए हैं। तो उन चीज़ उनको अलग से मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि FM की शिफ्ट में कितना कट ऑफ क्या है उसके लिए। और फिजिकल की बात करें तो जो भी आपके 170-175 के आसपास जनरल के भाई बंधु हैं अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें, फिजिकल हालांकि नुकसानदेह नहीं है, वो हेल्थ के लिए सही है, तो आप हल्का फुल्का फिजिकल जरूर करते रहें। हालांकि ठंड का मौसम है, थोड़ा बहुत आप फिजिकल करेंगे तो और ही आपकी बॉडी के लिए सही होगा, तो आप जो है फिजिकल हल्का फुल्का करते रहें। आपकी कट ऑफ के लिए और FM के लिए आपकी अलग सेपरेट वीडियो में आपको पूरी एनालिसिस के साथ जल्दी आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा जय एग्जाम्पल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।